सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पीटीसी न्यूज़ मॉर्निंग प्राइम। मैं हाँ तुहाडे नाल कावी बब्बर। जी हाँ, सत श्री अकाल जी, मैं हाँ राधा सानी। सो बुलेटिन का आगाज़ इस वेले दी एक अहम खबर नाल करदे आ। सिरसा दे कालांवाली दे विच मुठभेड़ हुई है, जिस विच जग्गा गैंगस्टर दे साथियां ते पुलिस विचाले इनकाउंटर होया। दस दे कि मुठभेड़ दौरान गैंगस्टर बलकार सिंह नूं काबू कर लिया गया। पुलिस दी गोली वज्जण नाल हालांकि बलकार जख्मी होया, तां उस नूं फिलहाल भर्ती करवाया गया हस्पताल दे विच। कालांवाली दे तखतमल अते तवाणा रोड उते यह मुठभेड़ हुई है। गैंगस्टर जग्गा सिंह का करीबी दस्या जा रहा बलकार सिंह। गिरफ्तार किए गए बलकार सिंह उते कतल सने कुल 8 मामले पहले ही दर्ज ने। तुम्हें भी दस दिए कि सोमवार को कालांवाली दे विच शरियाम 2-3 विचाले फायरिंग हुई सी। जहां हमले में 2 लोगों की मौत हुई ते 2 लोग जख्मी हुए सन। जग्गा सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए हमले की जिम्मेवारी ली सी। सो गैंगस्टर जग्गा सिंह का करीबी दस्या जा रहा है बलकार सिंह, जिस तरह नाल ये तस्वीर भी सामने आई सन। गिरफ्तार किए गए बलकार सिंह ते कतल सने कुल 8 वखो वख मामले दर्ज ने, जिस नाल सोमवार को कालांवाली में शरेआम 2-3 विचाले इतने फायरिंग हुई सी। तस्वीर भी सामने आई सन। दस दिए कि हमले में 2 लोगों की मौत हुई सी ते 2 लोग जख्मी हुए सन। तो अहम खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। तस्वीरों के नाल जग्गा सिंह ने सोशल मीडिया जरिए हालांकि हमले की जिम्मेवारी भी ली सी। बकायदा इंस्टाग्राम पोस्ट उन्होंने साझा कर रहे हैं। सिरसा के कालांवाली में मुठभेड़ हुई है ते फिलहाल हस्पताल दे विच भर्ती है। तुहानू दस दिए कि कई होर वड्डे खुलासे होने की उम्मीद पुलिस के वलों दसी जा रही है। जग्गा गैंगस्टर के साथियों ते पुलिस विचाले इनकाउंटर होया। मुठभेड़ दौरान गैंगस्टर बलकार सिंह हुण काबू कर लिता गया है। तो फिर जेरे लाश होने तो बाद ठीक होने तो बाद कई सवाल जवाब किए जाएंगे। पुलिस की गोली वजह नाल बलकार जख्मी होया सी, जो फिलहाल हस्पताल दे विच जेरे लाश है। तो जिस नाल इस नूं हुण काबू किया गया, हालांकि इस वेले जख्मी हाल विच है, हस्पताल विच है। गैंगस्टर जग्गा सिंह का करीबी यह दसया जा रहा है। और जिस तरह के नाल इस तो पहला वक्खो वक्ख मामलों तहत तो लोड़ींदा सी। सो यह तस्वीर ने हस्पताल दियां, जदों जख्मी होने पर उसनों लिजाया गया हस्पताल दे विच भर्ती। सिरसा के कालांवाली दे विच यह मुठभेड़ की घटना जो वापरी है। सुरेंद्र सावंत साडे नाल इस वेले जुड़ चुके हैं, उन्होंने तो अपडेट लैंदे हां। सुरेंद्र, जिस तरह वक्खो वक्ख मामलों के लुड़ींदा सी जग्गा गैंगस्टर, और हुण जिस नाल यह मुठभेड़ हुई है, की कुछ अपडेट है तुहाडे कोल इस पूरे मामले लैके? जी बिल्कुल, देखिए 2 दिन से लगातार पुलिस मुस्तैद है और लगातार धरपकड़ में लगी हुई है। इसके अलावा कल रात को जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तखमल गांव के अंदर ही जो आरोपी है, जिन पर आरोप लगे थे, कल फायरिंग की थी 2 दिन पहले, वो कुछ लोग उसके सहयोगी हैं जो तखमल गांव के अंदर है, तो पुलिस ने घेराबंदी की और उसमें फायरिंग हुई है। पहले जो घायल हुए हैं इन लोगों ने फायरिंग की है, जिसमें ये 2 लोग बताए जा रहे थे। और जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो इसके पैर पर चोट लगी है, एक गोली लगी है, जिसके कारण एक घायल हो गया है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, गांव के ही जो लोग बता रहे हैं कि 2 लोग थे और एक लोग तो वहां से एक आदमी है जो भाग निकला और दूसरे को पुलिस ने पकड़ लिया है। इसके अलावा राधा आपको बता दें कि इसके अलावा एक बड़ी सूचना हमारे पास ये है कि कल पुलिस ने 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया था इसी मामले को लेकर। जी बिल्कुल। सो 2 महिलाओं नु भी काबू किया गया सी। सो की कुछ उन्हा तो पूछगिछ हुई है, की कुछ जानकारी है, पेश किया गया है, किस मामले दे विच उन्हा नु गिरफ्तार किया है? जी अभी यह सिर्फ जो गुप्त सूचना है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ये सूचना कंफर्म है। पुलिस हालांकि इस पर कुछ भी बोलने को सामने नहीं आ रही है, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि हम पहले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कोई भी लूपहोल नहीं छोड़ना चाहते हैं ताकि यह सूचना हमें आगे पहुंच जाए, इसीलिए पुलिस इस चीज को दबा रही है। लेकिन यह बिल्कुल सही है कि 2 महिलाओं को कल पकड़ा है और रात को भी तखमल गांव के अंदर सर्च अभियान जो पुलिस ने ऑफ द रिकॉर्ड यहां पर चलाया था। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, फिलहाल दी सारी जानकारी ली। सो जिस तरह कालांवाली से तखतमल के घटना वापरी, गैंगस्टर जग्गा सिंह का करीबी है बलकार सिंह, हस्पताल फिलहाल जेरे इलाज है, उत्थे जो जानकारी साढ़े सहयोगी दे रहे हैं कि 2 महिलाओं को भी काबू किया गया। आने वाले समय के इस लैके होर खुलासा होने की संभावना।